नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस में आज एक और डिश ऐड होने वाली है। जी हाँ, पालक और मकई से बनेगा मकई पालक का साग, बटरी, डिलिशियस, वेरी टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं, बहुत 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 टेस्टी। अब इस डिश में पालक को हम दो तरीके से डालेंगे। पहला जो है तरीका वो है श्रेड करने का, इसमें थोड़ा सा मुंह में बाइट आएगा, और दूसरा जो है इसे हम ब्लांच करेंगे। तो ऑब्वियसली ये दो तरीके की पालक जब इसमें जाएगी तो मजा आएगा। एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया डालते हैं। अब ये तीनों चीजें जब साथ में पिसेंगी ना तो उसका स्वाद एक लेवल ऊपर हो जाएगा, क्योंकि कई बार पालक का स्वाद थोड़ा सा अजीब सा कसैला सा आता है। वो कसैला स्वाद निकालने के लिए हल्की सी हरी मिर्च और हल्का सा धनिया, एंड प्रॉब्लम सॉल्व। अब जैसे ये पालक, धनिया और ग्रीन चिली ब्लांच हो, इसे ठंडे पानी में निकाल लिया जाए। फिर इसे ड्रेन करेंगे और इसे प्यूरे कर लेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं बनाना इस सब्जी को। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब पालक का बेस्ट फ्रेंड है गार्लिक, तो गार्लिक थोड़ा ज्यादा, यहां पर 2 बड़े चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे। अब देखिए, पालक पनीर हो, चाहे आलू पालक हो, चाहे पालक की कोई भी डिश हो, गार्लिक जो है पालक का बेस्ट फ्रेंड है। जितना ज़्यादा डालो उतना ज़्यादा स्वाद आता है। मतलब मैं तो कई बार अंदर भी डालता हूँ, ऊपर से गार्निश में भी फ्राई गार्लिक डालता हूँ, मज़ा आता है। साथ में 1/2 चम्मच जिंजर भी डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। ड्राई जिंजर का पाउडर एक बहुत ही अच्छा लिफ्ट देता है। अब इस डिश में जो सौंफ पाउडर और सौंठ पाउडर है ना, ये एक्चुअली में मैंने लिया है कश्मीरी क्यूजीन से। जी हाँ, कश्मीरी क्यूजीन में जनरली हर एक डिश को फिनिश करते हुए थोड़ा सौंफ पाउडर और थोड़ा सौंठ पाउडर जरूर से डालते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कसूरी मेथी के साथ ये दोनों पाउडर भुनते हैं ना, क्या स्वाद आता है, मज़ेदार। 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, अब जैसे ही ये मसाले पक जाएं, इसमें डालेंगे ये श्रेड किया हुआ पालक, ताकि इसका जो है पानी वो सूख जाए। अब जैसे ही श्रेडेड पालक पकेगी वो पानी छोड़ेगी, उस पानी को हमें सुखाना है ताकि पालक अच्छे से पक जाए। अब मकई का सीजन चल रहा है, मकई आपको फ्रेश मिल रही है, लेकिन अगर आपके जगह पे यानी कि आपके शहर में आपको मकई नहीं मिल रही है तो आप फ्रोजन कॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कच्चे कॉर्न से बना रहे हैं तो सबसे पहले कच्चे कॉर्न के जो बीज हैं, कर्नल्स हैं, उनको निकाल के हमें हल्का सा बॉईल कर लेना। अब ये पालक का पूरा मिक्सचर पक चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास अगर फ्रोजन कॉर्न है तो अब हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। अब 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 कप दही। ये दही हल्की खटास तो देगा ही, साथ में एक रिचनेस भी देगा।
पालक प्यूरी डालेंगे और फिर इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। मकई, पालक, मसाले, ये सारी चीज़ बढ़िया से पक चुकी है। अब इसमें वो जो क्रीमीनेस है और बटरीनेस है ना, वो लाने की ज़रूरत है। पालक की खुद की क्रीमीनेस तो है ही, लेकिन साथ में अगर सफ़ेद मक्खन ना पड़े पालक में तो मज़ा नहीं आता है ना। अब एक बड़ा चम्मच सफ़ेद मक्खन और 2 बड़े चम्मच क्रीम, ये डाल के बस पालक को फिनिश करना है। बढ़िया कलर भी आ चुका है, पक भी चुका है, टेस्टी भी बहुत लग रहा है। पालक मकई का साग बिल्कुल है तैयार, एकदम लश्कारे मार रहा है मेरे दोस्त। अब इसके साथ बनाओ फुलके, चावल या जो मन करे मेरे यार, क्योंकि ये पालक मकई का साग है जोरदार। बाय द वे, अगर आप दुबई में रहते हैं तो हमने नया रेस्टोरेंट खोला है अलबर्शा में, जोरदार। बढ़िया कॉर्न पालक, अब इसी ग्रेवी में आप पनीर डाल दो तो पनीर पालक, अगर कोफ्ते डाल दो तो कोफ्ता पालक, मशरूम डाल दो तो मशरूम पालक। अरे भैया, पालक की बेस ग्रेवी बड़ी तगड़ी है। हम तो आपको रेसिपी पर रेसिपी देते जाएंगे, जब तक रहेगा सूरज चांद तब तक बनाते रहेंगे बढ़िया खाना। ये प्रण हमने ले लिया है, और अगर इस प्रण में हमारे साथ आप हैं तो सब्सक्राइब कर लो, फैमिली में आ जाओ और देखते रहो। हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज देते हैं हम आपको, आइए देखिए और बन जाइए एक फैमिली का पार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।